नमस्कार, मैं हूँ डेजी और आपका स्वागत है गपशप न्यूज में। भारत अनलॉक वन में प्रवेश कर चुका है और दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। 8 जून की सुबह कोरोना वायरस के मामले करीब 30,000 हो चुके थे, इनमें से 17,000 केस एक्टिव हैं। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने एम्स के डायरेक्टर के हवाले से कहा है कि कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो चुका है, अगर केंद्र सरकार इसकी घोषणा करेगी तब ही मानेंगे। कम्युनिटी स्प्रेड यानी वायरस आउटब्रेक की स्टेज 3, ये बेहद खतरनाक होती है। इसमें संक्रमण का स्रोत पता लगाना नामुमकिन हो जाता है। कम्युनिटी ट्रांसमिशन तब माना जाता है जब इन्फेक्शन के सोर्स का पता नहीं लग पाता। ऐसा तब होता है जब पता ना लगे कि अमुक व्यक्ति को किससे इन्फेक्शन हुआ है। संभव है कि वह कैरियर किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आया हो जो मूल रूप से इन्फेक्टेड कम्युनिटी से था। उदाहरण के तौर पर, भारत में कम्युनिटी स्प्रेड का मतलब ये है कि विदेश से लौटे लोग और उनके संपर्क में आए व्यक्ति के कॉन्टैक्ट में ना आने वाले भी इन्फेक्टेड होते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए गाइडलाइंस जारी की है। इसके तहत प्रभावित इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा सकता है। जहां केस मिला है उसके चारों तरफ करीब 500 मीटर के दायरे की निगरानी की जाती है। कॉन्टैक्ट्स की स्क्रीनिंग, संदिग्धों की जांच होती है। जरूरत पड़ने पर इलाकों को पूरी तरह सील कर दिया जाता है। किसी को आने जाने की परमिशन नहीं होती। भारत के पास किसी इन्फेक्शन के बड़े आउटब्रेक के लिए प्लान तो है, मगर उसमें कम्युनिटी स्प्रेड के लिए अलग से रणनीति नहीं है। एक बार ट्रांसमिशन थर्ड स्टेज में पहुंचने के बाद उसे रोकना बेहद मुश्किल हो जाता है। देश की राजधानी में कोरोना वायरस की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इससे हालत बेहद खराब हो गई है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 3,700 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ है। इनमें से 1,007 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का कहना है कि 31 जुलाई तक 5.5 लाख केसेस होने की संभावना है। इसी के साथ इस खबर में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे एक दूसरी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।